Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस NEET UG के लिए 10 मिनट से कम ड्यूरेशन के मिलेंगे. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF Gate JEST JAM qualified, ex faculty Akash Institute Delhi South Ex branch. Allen Career Institute, Chandigarh branch. Mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. 2017 में मेरी एक स्टूडेंट अदिति गोयल के 180 out of 180 marks आए थे physics में और उसका AIR under 30 था. Unacademy is the best online learning platform और उसके plus subscription के क्या क्या benefit है आपको daily live class मिलेगी. आप उसमें लाइव क्लास का मतलब इंटरेक्टिव क्लास है. आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, एजुकेटर के साथ डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, आंसर पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मींस विद इन टाइम बाउंडेशन के साथ आपको कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में सब पता होगा. लाइव टेस्ट और क्विजेज है, आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस है. अनलिमिटेड एक्सेस है. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी भी एजुकेटर की कितनी भी क्लासेस किसी भी टाइम पर ऑनलाइन लाइव एज वेल एज बाद में आप ऑफलाइन रिकॉर्ड भी क्लास करके देख सकते हो. वो सारी फैसिलिटीज आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगी. अभी नया सब्सक्रिप्शन हमने नया एक कोर्स लॉन्च किया है, नया सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेगा 1-to-1 गाइडेंस के लिए. स्टडी प्लानर होगा, डेली का स्टडी प्लानर होगा. 15 डेज में रिव्यूज आएंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है. टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस होगा टेस्ट का. टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम अप्रोच के बारे में आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा. और सारे के सारे बेनिफिट्स प्लस के तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. नीट यूजी में अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो 45,000 फी है और 2 ईयर कोर्स की 61,000 फी है. बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, जिससे आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा, 45,000 में अगर आपको डिस्काउंट हो गया, 4500 का डिस्काउंट हो गया, तो आपकी नेट फीस पड़ गई बेटा 40,500. और 24 मंथ के लिए मतलब 2 ईयर कोर्स की आपकी नेट फी पड़ेगी 54,900. 1 ईयर कोर्स के लिए आपकी फी पड़ेगी 40,500. अगर मैं बात करूं प्लस सब्सक्रिप्शन की, प्लस सब्सक्रिप्शन में 1 ईयर की फी 6,000 है, 2 ईयर की फी 1 मंथ की फी 6,000 है, 3 मंथ की फी 15,000 है, 6 मंथ की फी 24,000 है, 1 ईयर कोर्स की फी 30,000 है, 24 मंथ के कोर्स की फी 36,000 है. मेरा कोड जैसे ही आप लाइव एवी यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. तो फाइनल फी आफ्टर द डिस्काउंट आपकी 1 ईयर कोर्स की 27,000 हो जाएगी और 2 ईयर कोर्स की 32,400 हो जाएगी. अब आपको करना क्या है अनअकैडमी के लिए, आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है, उस पर रजिस्टर करना है. उसके बाद अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहते हैं, मेरा कोड यूज करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम. मैथमेटिकल टूल्स आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स. फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एक पार्ट है, एक मैथ टूल है बाइनोमियल थ्योरम, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या पढ़ना है. 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. ये कहती है, ये बाइनोमियल थ्योरम है, ध्यान रखना है. तब अगर मोड ऑफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन 1. ध्यान रखना है ये वाली थ्योरम सिर्फ तभी लगेगी जब x का मोड 1 से बहुत छोटा हो. 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा. देखते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसके लिए कंडीशन है पहले यहाँ 1 होना चाहिए. ये n अंदर आ जाएगा बेटा, मतलब n इस जगह पे आ जाएगा, तो ये 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा. पर ये सिर्फ तभी बनेगा जब x की मोड वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो. पहले 1 होना चाहिए, x की मोड वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं. वैसे कुछ और होती है, हमें फिजिक्स में सिर्फ यही यूज करना है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ. ये कंडीशन है, ध्यान रखना. पहला एग्जांपल है 1.02 टू द पावर 5 की वैल्यू देखते हैं. इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस 0.02 टू द पावर 5. अब आप देख सकते हो पहले 1 है, फिर ये वाला नंबर 1 से बहुत छोटा है, तो ये 5 अंदर चला जाएगा. जैसे ये 5 अंदर जाएगा इट बिकम्स 1 प्लस 5 इंटू 0.0. तो अगर मैं इसको यूज करके, इसको कैलकुलेट करके लिखूं तो ये बन गया 1 प्लस 0.1. तो जैसे मैंने इसको लिखा ये 1.1 विल बी अवर आंसर, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 1.1.
On the same line, next example is 0.99 to the power 3. What I can write 1 minus 0.01 to the power 3. क्योंकि मुझे पहले 1 बनाना है. ये नंबर 1 से बहुत छोटा है. So what I can write 1 minus 3 into 0.01. That is 1 minus 0.03. So your answer will be 0.97. ध्यान रखना चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो साइन सेम रह जाता है पावर अंदर आ जाती है मल्टीप्लाई हो जाता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है. दिस इज अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम बेसिक से क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन इस पे बेस ये हमें गिवन है बी एक्सिस इज इक्वल टू बी सेंटर आर क्यूब बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये गिवन है. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड बी एक्सिस बाई बी सेंटर ओनली इफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन आर. तो देखते हैं बेटा यहां से हमें निकालना है बी एक्सिस बाई बी सेंटर. अगर मैं इसकी वैल्यू ही कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू आ गई आर क्यूब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. क्लियर है यहां तक? अब आपको देखो एक्स आर से बहुत छोटा है तो क्लियर है आपका एक्स बाय आर एक से बहुत छोटा होगा. अगर एक्स बाय आर आपका एक से बहुत छोटा है तो ध्यान रखना है आपको x by r बनाना है ना कि r by x, क्योंकि r by x एक से बड़ा हो जाएगा तो मैं वहां पर binomial theorem apply नहीं कर पाऊंगा. तो यहां से मेरा जो रिजल्ट आ गया था वो ये था b axis by b center is equal to r cube by r square plus x square to the power 3/2. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं r cube by r square, मैंने यहां से common ले लिया 1 plus x square by r square to the power 3/2. अब जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं ये ऊपर बन गया बेटा r cube by r cube 1 plus x square by r square to the power 3/2. r cube से r cube cancel because r square to the power 3/2 is r cube. तो ये क्या बन गया बेटा 1 plus x square by r square की पावर minus 3/2. क्यों बेटा? मैं इसको ऊपर ले गया. अब आप देखो यहाँ पे आपका x by r एक से बहुत छोटा था तो यहां से x square by r square भी आपका एक से बहुत छोटा. अगर ये वाली टर्म आपकी एक से छोटी है तो आप यहां पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. जैसे ही आप यहां पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हो आपका जो रिजल्ट बन जाता है वो आ जाता है बी एक्सिस बाई बी सेंटर. क्या था बेटा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर माइनस 3/2. जैसे ही बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे ये पावर अंदर चली जाएगी. जैसे ही ये पावर आपकी अंदर जाएगी इट बिकम्स 1 प्लस माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो योर रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो ये आपका बी एक्सिस बाय बी सेंटर will be equal to 1 minus 3/2 x square by r square. This will be your answer of that question. ये आपका question था और इसका आपका जो answer आया final वो आपका ये answer. ठीक है? This is about the binomial theorem. Thank you. NEET UG in 10 ये हमारा YouTube channel है. Subscribe करें, like करें और bell icon को press करें.